देना है, एक नई चेतना समाज को देनी है। और एक नया चिंतन ये है कि जैसे ही क्रोधी ऐसे चंड कौशिक ने क्षमा की मूर्ति महावीर को स्पर्श किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, परमात्मा की ये पॉजिटिव शांति के डिवाइन ओरा सर्कल के अंदर जैसे पांच पांच बार चंड कौशिक की एंट्री हुई ना, ये अणु और परमाणु की इफेक्ट अब धीरे 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 पॉजिटिव वाइब्रेशनों की इफेक्ट भले लेट हुए, लेकिन परमात्मा के ये शुभ आभा मंडल के अंदर एक बार आ गया, क्या हो गया? बुझे चंड कोश सदगुरु तीन रूप से शिष्य के अंदर भक्त के ऊपर अपनी लब्धि को ट्रांसफर करने का काम करे। अध्यात्म की भाषा में, योग की भाषा में इसे शक्तिपात की क्रिया कहने में आती। कौन सी क्रिया? हाँ, कुंडलिनी जागरण की क्रिया। जो आप योग मार्ग के चाहक होंगे, अध्यात्म मार्ग के कोई साधक, इसमें से कोई एक दो पांच व्यक्ति होंगे, उसको जिसको चक्र के नॉलेज है, जिसको साधना का नॉलेज है, जिसको इस प्रकार की रुचि है, उनको ये शब्द सारे समझ में आएंगे। शक्तिपात की क्रिया सदगुरु शिष्य के ऊपर भक्ति कर तीन तरह से अपनी गुरु कृपा बरसावे। सादी भाषा में बात करो, गुरु कृपा गुरुदेव तीन रूप से बरसावे। एक दृष्टि के माध्यम से बरसावे, एक शब्द के माध्यम से बरसावे, एक स्पर्श के माध्यम से बरसावे। दृष्टि से के माध्यम से गुरु की कृपा उतर जावे, हजारों जने बैठे रहे और गुरु की नजर किसी एक व्यक्ति के ऊपर पड़ गए, गुरु की अमी दृष्टि मीठी नजर जिसके ऊपर पड़ जावे और गुरु के मन में दया का भाव, अनुकंपा का भाव, करुणा का भाव, आखिरी में लास्ट में बैठा क्यों ना रहे और उसके ऊपर गुरु की अमी दृष्टि हो गई ना, समझ लेना काम हो जावे। शक्तिपात का पहला नजरिया, पहला प्रक्रिया दृष्टि से होवे। शक्तिपात का दूसरा नजरिया वाणी से, वे जा बेटा काम हो जाएगा, और सदगुरु के मुख से शब्द भी निकल जावे ना तो भी। हाँ, हमारे एक तपस्वी महाराज जी थे, नए प्रभ सागर जी, अभी 2-3 साल पहले उनका देवलोक गमन हो, ऐसे वचन सिद्ध महात्मा थे, खूब तपस्याएं की, खूब जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी तपस्याएं की, 15 उपवास, 25 उपवास, 30 उपवास, ऐसे बड़ी बड़ी तपस्या करे, बेले के पाने में आमिल करे, और इस प्रकार की तपस्या करते करते ऐसी वचन लब्धि हो गए सामने वाले को जो बोले वो होना ही होना है। और एक बार राजस्थान के किसी छोटे से गावड़े में एक व्यक्ति जो 1500 रुपए की नौकरी करता है, कितने रुपए की? 1500 रुपए की नौकरी करे गांव के अंदर, छोटी से उसके किराने की दुकान, और किराने की दुकान में झाड़ू पोछे लगाने का काम करे, कभी कभार गुरु महाराज के पास में आवे, सेवा करे गुरु महाराज के, और गुरु महाराज के सहजता से उसने मांगा नहीं है कुछ, अपेक्षा भी रखी नहीं है, स्वार्थ से भी आया नहीं है, मात्र सेवा की भावना से आया। और एक दिन ये तपस्वी महाराज जी के मुख से शब्द निकल गए, मेरे पास में क्या मरा है, जा तू सूरज जा, करोड़पति 5 करोड़ का स्वामी बन जाएगा। और उस दिन से जो किस्मत का सितारा जो फिरा है 1500 की नौकरी करने वाला सूरत में आकर के और 5 करोड़ के स्वामी बन चुका व्यक्ति भी आज मौजूद है, और महाराज जी को भी देवलोक हुए अभी 3 साल हुए। सदगुरु शक्तिपात कैसे करे? दृष्टि के माध्यम से सदगुरु शक्तिपात दूसरी तरह से करे, शब्द के माध्यम से गुरु के बताए हुए, बोले हुए, आपको कहे गए शब्दों के अंदर भी कुछ इशारे रहे, इशारे को, उस राज को और उस रहस्य को जो जान सके, उसको जो पकड़ सके, वही जीवन में आगे बढ़ सके, बाकी जिसको नॉर्मल वाक्य के अंदर उसको जो समझ लेवे तो वो वहीं का वहीं रह जावे। और तीसरा नजरिया है सदगुरु शक्तिपात करे, शिष्य और भक्त के अंदर अपनी लब्धियों को ट्रांसफर करे स्पर्श के द्वारा। आप आते हो और वाष्पक्षेप मिलता है, गुरु महाराज सिर पे वाष्पक्षेप डालते हैं, ये भी एक शक्तिपात का जरिया है। चंड कौशिक आया है परमात्मा के शरीर को, बार बार अंगूठे को बार 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 स्पर्श कर रहा है, और आंतरिक चेतना का, अध्यात्म की दशा का, इस जीव का जागरण हो चुका। योनि भले पशु की है, योनि भले तिर्यंश गति है, तिर्यंश गति के अंदर रहा हुआ ये जीव आंतरिक अध्यात्म की दशा स्टार्ट हो चुके, अध्यात्म यात्रा प्रारंभ हो गए, और उसी समय नक्की कर दिया कि आज दिन तक इस जबान से डसने के काम किए,
आज दिन तक इस मुंह से झेर उगलने के काम किए, न जाने कितने कितने को हर्ट कर दिया, कितने कितने को दुखा दिया और कितने कितने को खलास कर दिया। अब न बोलना है, न हिलना है, न चलना है, चुपचाप स्थिर हो जाना है। साधु भी जो क्रोधित हो गया तो साधु भी सांप बन गया, और सांप अब शांत हो गया तो शास्त्रों ने लिखा 15 दिन का अनशन करके, बिना खाए पिए संथारा करके, और सीधे 8वें देवलोक का मेहमान बन गया। यहां क्रोध की जब बात चल रही है ना, ये क्रोध माचिस की उस तिल्ली की तरह होता है, कांडी की तरह होता है। माचिस की कांडी देखिए ना, आजकल तो आपके घर में लाइटर आ गए, और आजकल तो आपके जो फूकने वाले रह रहे उनके पास में भी, पहले बीड़ियों का जमाना था, अब बाकस माचिस का वो साथ में रखते थे, सुरेश भाई रखते थे ना, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और वो माचिस का वो बाकस साथ में रखते थे, और जब भी फूकने का मन हुए तो माचिस का बाकस लिया और सबसे पहले कांडी लगाए। अब मुझे बोलो, इस माचिस की कांडी से सिगरेट या बीड़े तो जब जलेगी तब जलेगी, सबसे पहले तो क्या जलता है, सबसे पहले तो क्या जलेगा, कांडी खुद जलेगी सबसे पहले, सिगरेट तो बाद में जलेगी, पहले क्या जलेगा, हाँ कांडी, जो उसकी कांडी है उसकी खुद पहले जलेगे। क्रोध भी माचिस की तिल्ली की तरह, उस कांडी की तरह है, गुस्सा करके आप समझ रहे हो कि हम सामने वाले को दबा देंगे, तो वो तो जब दबेगा और जब आपकी सुनेगा, जब आगे होगा वो तब बात की बात है। सबसे पहले क्रोध करने से दूसरे को तो आप जो नुकसान पहुंचाओगे तब नुकसान, लेकिन क्रोध करने से सबसे पहला नुकसान तो आप अपनी बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर पहुंचा। मेडिकल साइंस कहता है कि मात्र 12 मिनट का किया गया गुस्सा जोरदार को तपा करके, 12 मिनट किसी के सामने किया हुआ झगड़ा, आपकी 6 महीने के जो ऊर्जा आपने कैलोरी खा करके, खाना खा करके जो कैलोरी को प्राप्त किए, वो खून का क्या कर देवे, खून का पानी कर देने का काम, 6 महीने की ऊर्जा को खलास कर देने का काम मात्र 12 मिनट का गुस्सा कर देते। गुस्से से दूसरे को तो जब जो करेंगे तब सबसे पहला नुकसान तो अपना हो जाता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम से ये कहीं बाहर से नहीं आती है, खाली ऐसा नहीं है कि गर्मा गर्म खाने से या तीखी चरखी वस्तुएं खाने से एसिडिटी होती है, या अग्नि तत्व बड़ा दिमाग चिड़चिड़ा हुआ गुस्से वाला व्यक्ति और उसको भी एसिडिटी के प्रॉब्लम से हो सकती है। बचना तो बचना कैसे, सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे गंभीर प्रश्न है, इस गुस्से को कम कैसे करना, ठंडा कैसे करना, शांत कैसे करना। और महावीर ने 4 प्रकार के जो कषाय बताए, क्रोध, मान, माया और लोभ। लोभ कषाय, माया कषाय, मान कषाय और क्रोध कषाय, चारों के अंदर ये पहला स्थान क्रोध को रखने में आया, क्योंकि जन सामान्य की ये परिस्थिति है, जन सामान्य की हालत है, गुस्सा है ना, गुस्सा जब भी आता है कभी अकेला नहीं आता, उसकी एक फैमिली है। मैंने पहले कहा था, आप लोग भले व्याख्यान सुनने आते हो तो सिंगल आते होंगे कि डबल आते होंगे, उन्हें मारी वो हेमा, हाँ अभी गया सब, अपने बच्चे नहीं आते होंगे, अपने घर के और कोई मेंबर नहीं आते, लेकिन गुस्से का ऐसा नहीं रहा, गुस्सा जब भी है ना वो जहां जहां भी घूमे ना अपने पूरे परिवार को लेकर के साथ में घूमता है। आप लोग जाते हो घूमने फिरने के लिए तो विद फैमिली जाओ कि अपने दोस्तों के साथ में जाओ भाई, पिक्चर देखने के लिए जाओ तो मम्मी पापा सब साथ में चले ना। ऐसे ही काम करने के जिसके अंदर पूरा परिवार साथ में चल सके, यहां ऑटोमेटिक नेगेटिव सारे क्या हो जाएंगे, जिसमें आपके मम्मी आपके साथ नहीं चल सके, जिसमें आपके पापा आपके साथ में नहीं चल सके, जिसके आप अंदर आपके भाई बहन आपके साथ में नहीं चल सके, वो समझ लेना कि उस काम के अंदर कहीं ना कहीं जो काम को छुपाना पड़े घर वालों से, उस काम के अंदर समझ लेना कि ये काम भले दुनिया की दृष्टि में सही होगा लेकिन अपने लिए गलत है। यहां गुस्सा जब भी आता है अकेला नहीं आता, उसका एक परिवार होता है। आपको आपकी फैमिली के मेंबर के नाम पता है ना,
जानते हो ना आपकी वाइफ का नाम क्या है? अब उसमें भी हंसना, अच्छा क्वेश्चन ही ऐसे पूछता। अच्छा ठीक है, आपकी बात नहीं करो, गुस्से की बात करें। गुस्से की भी एक परिवार है, गुस्से के बाप का नाम, गुस्से के फादर का नाम, गुस्से के पिताजी का नाम अहंकार है। क्या है? अहंकार। उसके पिता का नाम है, व्यक्ति के अहंकार को जब ठेस पहुंचती है ना अंदर से पूरा, हाँ व्यक्ति के अहंकार को जब, इगोइज्म को जब ठेस पहुंचती है अंदर से पूरा खाक हो जाता है जल करके। गुस्से के पिता का नाम अहंकार है तो गुस्से की माता का नाम उपेक्षा है। बड़े व्यक्तियों को, बड़ी हस्तियों को, बड़ी पार्टियों को भाव नहीं दिया, अवॉइड कर दिया तो भी अंदर से क्या हो जाते हैं, तो भी अंदर से गरम हो जाते हैं। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है, ऐसा है वैसा है, न जाने कितने कितने लंबे चौड़े स्टेटमेंट हो जाते, अंदर से सब होता है। गुस्से का पिता का नाम अहंकार है, गुस्से की मम्मी का नाम उपेक्षा है, गुस्से की बहन का नाम जिद है। क्या नाम है? हाँ, बच्चा, छोटा बच्चा जिद करे कोई वस्तु के लिए, मम्मी पापा घर वाले पूर्ति नहीं करे और उसको क्या आ जावे, तुरंत गुस्सा आ जाए। कई बार तो मेरे पास में छोटे छोटे बच्चे आते हैं और बच्चे आकर के चॉकलेट मांग, और उसको चॉकलेट देता हूँ, एक दी, दो दी, तीन दिन, और फिर उसकी मम्मी कहती है बस बस महाराजी बस करो बस करो, उसको और चाहिए, जिद पे चढ़ा है, मम्मी मना करिए नहीं महाराज जी बस करो अब इसको ज्यादा नहीं देना, और बच्चे तुरंत क्या हो जाता है, बच्चे को तुरंत गुस्सा आवे, तीनों तीन चॉकलेट है, एक भी नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। तो ये गुस्से की बहन है, जीत ये गुस्से के बहन है। इस प्रकार से उसका तो और भी पूरा लंबा चौड़ा परिवार, गुस्से के काका भी हैं, गुस्से के मामा भी है, गुस्से की बुआ भी है, अब सब लिस्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आप होशियार हो, सब समझ जाना, समझदार को इशारा ये, हाँ आप सब समझ जा। यहाँ ये गुस्से का ये हरा भरा परिवार है, सुखी समृद्ध परिवार है। सबसे बड़ी बात तो ये है इनके अंदर सब में एकता है, आपके जैसे नहीं है के पति एक दिशा में रहे और पत्नी का मुंह दूसरी दिशा में रहे, या वो जब भी रहते हैं हम साथ साथ, ये सब के सब साथ साथ में चलते हैं। गुस्सा जब भी आता है अकेला नहीं आता, अपने साथ पागलपन के भूत को लेकर के आता है, अपने साथ पागलपन के भूत को ला करता है। गुस्सा जब आता है ना वो होश को सारे उड़ा देता है, विवेक को भ्रष्ट कर देता है, जबान के ऊपर वो सवार होकर के न जाने कौन से शब्द अपने जबान से बुलवा देता है, न जाने अपने हाथ को किस किस प्रकार की प्रवृत्तियों से जोड़ देता है। गुस्सा जब भी आता है अकेला नहीं आता है, पागलपन के भूत को लेकर के आता है। गुस्सा जब भी जाता है ना तब भी अकेला नहीं जाता है, अपने साथ पश्चाताप के आंसुओं को लेकर के जाता है। एक बार घर के अंदर एक 5 साल का छोटा सा बच्चा और उसकी 8 साल की बहन, दोनों जन थे, हस्बैंड एंड वाइफ, 4 जन का छोटा परिवार। पापा दुकान पर गए हैं और घर के अंदर 3 जने हैं, किसी काम से मम्मी को बाजार में सामान लेने के लिए जाना पड़ा और मम्मी ने बड़ी बहन को कहा कि छोटे का ध्यान रखना, मैं अभी सामान लेकर के आधे घंटे में आती। मम्मी गई सामान लेने के लिए और यहाँ ये छोटा 5 साल की उम्र का जो बच्चा है उसने चूल्हे के पास में कोयले पड़े हुए थे, ठंडे कोयले, कोयले लिए और कोयले लेकर के किचन की जो दीवार थे उसको क्या करने का काम किया। हाँ उसको तो अब पेंटिंग कह रहा है, आजकल भले पेंसिल से करते हैं कि और कोई किसी से कलर से करते होंगे, उसको हाथ में कोयला आ गया तो उसने कोयले लगा करके दे धनादन काम चालू कर दिया। और जैसे ही मम्मी अभी आधे घंटे मार्केट से शॉपिंग करके घर के अंदर एंट्री हो रही है, दीदी को जिम्मेदारी सौंप करके गई थी, अपनी गुड़िया को कह के गई थी बेटे का ध्यान रखना, और इसको तो ऐसा डर लगने लगा है कि छोटे ने इतनी शरारत कर दी और इसको वो मेरे ऊपर सारा कसूर ना आ जावे, पहले तुरंत जाकर के मम्मी को क्या कर दूं, कंप्लेन कर दूं। जीव का स्वभाव है, हाँ फरियाद करना, शिकायतें करना,
ये जीव का अनादिकाल का स्वभाव है। मंदिर में जाते हैं ना तो भी सखड़े नहीं बैठे, भगवान को भी शिकायत करते कि मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भगवान के पास भी जाते हैं, फरियाद करते हैं। अरे भगवान के पास जाओ तो फरियाद मत करना, जिंदगी ऐसी मत बना देना कि फरियाद करनी पड़े। जीवन तो एवं जीव जो के लोगो तुमने फरी फरी याद करे। और यहां इस लड़की ने कंप्लेंट कर दी, शिकायत कर दे कि मम्मी मम्मी तू गई। और तुरंत भैया ने वो चौक लेकर के काला कोयला लेकर के पूरी की पूरी दीवार गंदी कर दी है। और मम्मी को इतना गुस्सा आ चुका, एक तो आज काम वाली बाई भी, और जिस दिन काम वाली बाई नहीं आती ना आपका टेम्पर कैसा रहे, फिर हाथ में जो आ रहे वो गया है। काम वाली बाई एक नहीं आई, अपना पूरा 24 घंटे डिस्टर्ब करा देती है एक काम वाली बाई। और यहां गुस्सा आया था, काम वाली बाई आई नहीं, अभी घर के सारे काम करने बाकी है, मैं अभी अभी बाहर से आ रही हूं, थकी पकी हूं, और इसमें काम एक कम था, इसमें एक काम बड़ा दिया। गुस्सा आया है, जैसे लड़का बाहर आया है, धड़ाधड़ उठा करके चार चाटे लगा दिए, ऐसे कुछ नहीं बोले नहीं चाले, फटाफट चार चाटे लगा दिए। चौथा चाटा जब लगाया है इतना जोर से लग गया, क्रोध की आवेश के अंदर इंसान के शरीर के अंदर जो जोश आ जाता है, खून जो गर्म हो जाता है, ऑटोमेटिक बल क्या हो जाता है, हाँ बल बढ़ जाता है। और ऐसा चौथा चाटा लगा दिया कि 5 साल का ये छोटा सा नन्ना सा फूल जैसा मासूम सा बच्चा दीवार के साथ में टकराया है, और दीवार से टकरा करके जैसे गिरा, कान के में से धीरे धीरे खून निकलने लगा। 2-4 मिनट तो हुए, धीरे धीरे वो जो उफन आया था दूध का, हाँ वो अब धीरे धीरे अब मम्मी का 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट थोड़ा समने लगा। जैसे ही खून की बूंद को टप टप टपकती हुई गिरने लगे, घबरा गई माँ, डर गई, एक बार तो हिल गई, और घबरा करके उसको लगा कि भाई अरे तो गड़बड़ हो गई, बच्चे को खून निकल रहा है, आखिर तो माँ है। और न राज आवे न साज आवे, गुस्सा तो कर दिया लेकिन अब खून निकल रहा है, फटाफट उठा करके पास में जो फैमिली डॉक्टर था अपनी गली के अंदर रहने वाला, उस डॉक्टर के दवा खाने के अंदर लेके गए। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको तो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कान का पर्दा आदि की क्या पोजिशन है, पर्दा टूट तो नहीं गया है, और उसको तुरंत एक बार हॉस्पिटल में एडमिट करा दो और इसकी ट्रीटमेंट अपन चालू कर देते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराया, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हुआ, बच्चे को भूख लगी है, माँ दलिया बनाने के लिए वापिस दौड़ी घर में आई, 10 मिनट में मैं आ रही हूँ खा इसके बच्चे के लिए गरम गरम दलिया बना करके लेके आओ। और दलिया बनाने के लिए जैसे ही घर में पहुंची है, घर के अंदर रसोई घर में पहुंची, किचन के अंदर पहुंची है, और इस नन्हे से मासूम से फूल जैसे बच्चे ने उस चौक से काले कलर के कोयले से दीवारों के ऊपर लिख दिया था, माई डियर मदर आई लव यू। और ये पढ़ करके इस माँ से रहा न गया, न हाथ और पैर काम कर रहे हैं, पसीना पसीना हो गया, आंख में से आंसू की धार बहने लगे, मात्र क्रोध की आवेश में, गुस्से की आवेश में आकर के मैंने क्या कर दिया, और यहाँ मेरे बेटे ने मेरे लिए कितनी अच्छी भावना रखी। गुस्सा जब भी आता है अपने साथ पागलपन के भूत को लेकर के आता है, गुस्सा जब भी जाता है पश्चाताप के आंसुओं को लेकर के जाता है, फिर तो पछतावा होता है कि अरे रे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अरे रे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे रे मुझे इस प्रकार का मारना नहीं चाहिए था, चूक गई चिड़िया खेत फिर पछताने से क्या। धनुष में से जो बाण निकल गया एक बार सो निकल गया, वापिस लौट के आता नहीं है, शरीर से प्राण निकल जाने के बाद वापिस लौट के आते नहीं है, जबान से ये वेण वचन निकल जावे वापिस लौट के आते नहीं। और ये गुस्सा जब भी आता है ना अपनी हंसी की हत्या कर देता है,
गुस्सा जब भी आता है हंसी की हत्या कर देता है, गुस्सा जब भी आता है अपनी खुशियों को खत्म कर देता है। अच्छा हरा भरा परिवार के अंदर आग लगा देने का काम मात्र मात्र और मात्र ये गुस्सा करता है। और इसलिए कहा कैंसर से ये क्रोध ज्यादा डेंजर है, खतरनाक है। क्रोध की भयानकता इस भाव में भी लोगों के अंदर अपने को अप्रिय बनावे। आपका स्वभाव जो शांत रहेगा ना तो पड़ोसी भी आपको चाहेगी, और आपका स्वभाव जो गुस्से वाला रहेगा ना अपनी पत्नी भी आपको क्या करेगी, निग्लेक्ट करेगी। पत्नियां ना दो टाइम घड़ी देखती हैं। एक बात आपको रास की बता दो, आप लोग चुप रहना, इनकी बात बता रहा। जिस घर के अंदर पत्नी शाम को घड़ी देखे, जिस घर के अंदर पति एकदम शांत रहवे, बिल्कुल नॉर्मल जीने वाला ठंडा दिमाग वाला रहवे, तो वो उसके घर के अंदर पत्नी जो है ना उसकी वाइफ, वो शाम को घड़ी देखे कब वो आवे, कब वो आवे और अपने घर के अंदर आनंद 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 छा जावे। और उसके ऑपोजिट में जिसका दिमाग खोपड़ा जिसका गर्म रहवे ना, ऐसे पति कि जो पत्नी रहवे वो सुबह देखे घड़े कब 10 बजे, कब 10 बजे, कब यहां से जल्दी दुकान पे, ये जल्दी जावे तो घर में ऐसी हालत है भाई। अब आपको पत्नी को सुबह की घड़ी दिखानी है क्या शाम की घड़ी दिखानी है आपके हाथ में? गुस्सा कंट्रोल कैसे करना, मजे की बात है।